गुड इवनिंग दोस्तों, जय माता दी। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। टाइम है कुछ 4:15 से 4:30 के बीच का। कपड़े मेरे अच्छे खासे सूख गए हैं, सूखे नहीं हैं, बहुत अच्छे से जो है करारे हो चुके हैं। इनको उतार लूँगी और जैसे ही मैं अपना सबसे पहले कपड़ा उतार रही थी, जो उस पर क्लिप लगी हुई थी ना, चिमटी कह लो, पिन कह लो, कुछ भी कह लो जो कपड़ों पर लगाई जाती है, वो मेरे हाथ से छूट के सबसे नीचे गिर गई थी। इसलिए अफसोस हो रहा था, सर पर हाथ रख रही थी मैं, क्योंकि वैसे कहने को ना ये चिमटी मतलब क्लिप का पैकेट बहुत ही सस्ता आता है, 10 रुपये या 20 रुपये का आता है, लेकिन इसको खो जाने का भी ना एक अलग सा ही अफसोस होता है। जब भी हमारे हाथ से गिर जाती था, अरे यार ये क्यों गिर गई, ऐसा होता है कि नहीं होता? मेरे साथ तो बहुत होता है, क्योंकि इसको नीचे से उठाकर तो हम लोग ला नहीं सकते। और जो दोपहर के बर्तन थे उनको उनकी जगह पे लगा दिया है टोकरी में सूख जाने के बाद में। अब ये एक कटोरी के लगभग जो है मैगी बची थी, इसको उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि आज दिन में मैंने हनी बनी ने जो है मैगी खाई थी। बच्चों का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था मैगी खाने का, अरबी खाने का किसी का भी मन नहीं था। सुबह भी अन्नू ने अरबी खाने से मना कर दिया था, तो मैंने अरबी जो है बनाई नहीं थी, वो मैं अब नाइट में बनाऊंगी। और बहुत ही अच्छी अरबी की सब्ज़ी जो है आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, ज़रूर से बनी रहिएगा व्लॉग में। तो यहाँ पर हाथों हाथ जो है मैंने बर्तन भी लगा दिए हैं, जब टोकरी खाली हो जाती है तो उसको भरने का दोबारा से हमको मौका मिल जाता है। बर्तन मेरे सारे धुल के तैयार हो गए हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ शाम की अदरक वाली मीठी मीठी सी चाय, जिसको पी के जो है मेरी सुस्ती भाग जाएगी और मेरे अंदर जो है चुस्ती और फुर्ती आ जाएगी। जो भी चाय लवर होंगे ना, वो मेरी बात से सहमत होंगे। आजकल जो है मौसम सुबह शाम काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लगा है, तो मैं काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है अदरक डालने लगी हूँ। और हम तीनों ही हैं, मैं हनी बनी, तो दिन में मैगी खाई थी, कुछ खास पेट भी नहीं भरा था, हालांकि बची हुई भी, लेकिन दोबारा खाने का मैगी किसी को मन नहीं कर रहा, तो सबने बोला चाय ब्रेड खाएंगे, तो मैंने तीनों की चाय बना ली है, साथ में हम लोग ब्रेड इंजॉय करेंगे। और जो मैं अरबी कह रही थी कि मैं सुबह बनाने वाली थी पर बना नहीं पाई, तो उसको भी जो है जब तक मेरी चाय अच्छे से खोलेगी, इसको खूब अच्छे से पानी में रगड़ रगड़ के अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी मिट्टी भरी हुई होती है। और हनी से मंगवाया था मैंने वही डेली की तरह 1.5 किलो दूध मेरा, इसको आ गया है। अब मेरी जो है दोनों गैस पे घिरावट हो जाएगी, तो मुझे दूध उबालने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पे रख दिया मैंने चाय और एक पे मैंने काफ़ी दिन पहले जो है मक्खन निकाल के रख दिया था घी बनाने के लिए, और ये एक दिन पहले का ही पतीला है जिसमें दूध उबाला था, तो इसी में ही जो है मैंने घी को बनाने के लिए रख दिया है। तो बस एक तरफ घी बनता रहेगा, एक तरफ चाय बनती रहेगी, और दूध को रख दिया है मैंने फ्रिज में ताकि वह ख़राब ना हो। और यहाँ पर देखती है मेरी चाय बनकर आ गई है, तो हन्नी बड़ी मस्ती मार रहा था, मम्मी मैं आपके व्लॉग में आता हूँ ना, आपके व्लॉग वायरल होते हैं। मैंने कहा फिर तो तेरा आना बिल्कुल बनता ही है। तो जो हन्नी बोलता है सेम टू सेम मेरा बन्नी भी बिल्कुल वैसे ही बोलता है, और इन दोनों पर ना बड़ा प्यार आता है, जो बड़ा बोलता है वही सेम छोटा बोलता है। तो दोस्तों चाय वाय पी के मस्ती मार के बच्चों के साथ में मैं आ गई हूँ इस वाले कमरे में। थोड़ी देर पहले बच्चे इसी वाले कमरे में उधम पानी मचा रहे थे, तो बस यहाँ पे आ गई हूँ। और जिस कमरे में बच्चे होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा ही उथल पुथल हो जाती है, तो आप बेडशीट की हालत देख के समझ ही गए होंगे हन्नी बन्नी कितना उधम मचा रहे थे। कहने को दोनों बड़े हो गए, लेकिन कितने भी बच्चे बड़े क्यों ना हो जाएँ, वो अपनी शैतानी कभी भी नहीं छोड़ते। और ऐसे ही माँ को हमेशा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे हमेशा ऐसे खिलते खिलाते रहें। तो बस यहाँ पे जो है अंधेरा होने से पहले एक शाम की झाड़ू जो है मैं निकाल दूंगी, क्योंकि दिया बाती का भी टाइम हो जाता है, तो फिर झाड़ू नहीं निकल पाती जब तक उजाला होता है। तो उससे पहले पहले जो है मैं अपने घर की सारी झाड़ू निकाल दूंगी, और शाम की झाड़ू निकालनी वैसे भी अच्छी होती है, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान का आगमन होता है, तो सारी झाड़ू निकल गई है। और जब तक मैंने झाड़ू लगाई थी, चाय पी थी, ये सब करा था, तब तक आप देख सकते हैं मेरा जो घी है पारदर्शी एकदम बढ़िया निकल के तैयार हुआ है। और थोड़ा सा ही घी निकला था, क्योंकि आपने देखा था मक्खन सिर्फ थोड़ा सा ही था, क्योंकि आजकल अभी मेरे घर में क्या है ना, जो टोंड दूध आ रहा है, आपने पॉली बैग भी देखी होगी दूध की, अमूल की जो है बिल्कुल टोंड दूध आ रहा है। इससे पहले जो है फुल क्रीम दूध आता था, उसकी मलाई काफ़ी अच्छी निकलती थी, कम से कम इस टाइम 1.5 किलो मलाई निकल चुकी होती, लेकिन जैसे मलाई निकलेगी वैसे ही घी निकलेगा, मानते हो ना आप लोग भी बात। तो बस यहाँ पे सारे ही कपड़ों को धीरे धीरे जो है मैं आराम से बैठी बैठी तय कर लूँगी आपसे बातें करते करते, और हाथों हाथ ही जो है मैं इनको लगा के छोड़ दूँगी। कई बार इनको सेठी पे रखा छोड़ देती हूँ ना, तो वो फिर बात ना नेक्स्ट डे तक पहुँच जाती है, क्योंकि जो रख दिया सो रख दिया। और ये मेरा सब्जी लाने का थैला था, मेरा पर्स था, इन दोनों की जोड़ी मैं हमेशा एक साथ ही बना के रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता कब सब्जी मार्केट भागना हो जाए, तो पर्स और थैला साथ में होता है तो आसानी बहुत ही हो जाती है। और अन्नू के कपड़े रख दिए हैं उनके जगह पर, साथ में अपने कपड़े भी रख दिए हैं। एक दो दिन में जो है अलमारी की सफाई करूँगी, वो भी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगी। और यहाँ पे जो है दिया बाती का टाइम हो गया है, तो फटाफट से जला दिया है मैंने दिया, अगरबत्ती, धूप सब, और जो मैं पाठ करती हूँ
तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एक तो गणपति महाराज जी की मैं आरती करती हूँ, अम्बे जी की आरती करती हूँ, और जो मैं पाठ करती हूँ वो मैं श्री भगवत गीता जी का पाठ करती हूँ। मुझे बहुत अभी मन में छाने लगाता है इस वाले नवरात्र से, पहले दिन से मैं कह रही थी कि मुझे भगवत गीता पढ़नी है, भगवत गीता पढ़नी है। हमारे पास रखी हुई थी, अन्नू बहुत पहले लाए थे, वो पढ़ते थे, उन्होंने पूरी कंप्लीट कर दी थी। तो अब की बारी मेरा मन कर रहा था, तो मैं तीसरे अध्याय पर पहुँच गई हूँ। रोज़ एक अध्याय पढ़ती हूँ, तो अब मैं तीसरे अध्याय पर पढ़ गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। सही बताऊँ तो बहुत अच्छा लगता है, और वो जितने इसको मैं पॉजिटिविटी से पढ़ती हूँ उतनी ही मेरे अंदर पॉजिटिविटी आती ही जा रही है। बहुत अच्छा लगता है सच में। आप लोगों में से कोई गीता पढ़ता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे जो है अन्नू आ गए थे, मैं अब अरबी छील रही हूँ, और वो लेकर आए थे मखाने का पैकेट, क्योंकि मखाने हड्डी को जोड़ने में बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने सुना है हड्डियों के लिए मखाने बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने उनसे कहा था मखाने का पैकेट ले आना। तो बस ये मखाने का पैकेट आ गया है। इनको मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल के इसे अच्छा खासा कुरकुरा करके ना मैंने इस पे मसाले डाल दिए थे। मसालों में मैंने इनमें नमक स्प्रिंकल करा था, और ये काली मिर्च का पाउडर होता है ये स्प्रिंकल कर दिया था, और साथ में काला वाला नमक होता है ना ये, और बहुत ही टेस्ट लग रहे थे। मैंने सिर्फ 2-4 ही खाए थे, बाकी मैंने अन्नू को दे दिया था। और अब जो मेरी अरबी छिली हुई थी इसमें मैंने डाला है तेल, अजवाइन, क्योंकि लहसुन प्याज तो बिल्कुल बंद है, तो बस मैंने इसमें डाला है अजवाइन। और अरबी को मैंने अच्छा खासा करारा भून लिया है, इसको बाहर निकाल लिया है, और देखिए मैं कितनी अच्छी आज अरबी की सब्ज़ी शेयर कर रही हूँ, आप ना उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे सच में। तो ये ली है मैंने आधी कटोरी के लगभग दही, इसमें डाले हैं मैंने बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी, नमक, स्वाद अनुसार मैंने मिर्ची डाली है, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी ना थोड़ी चटपटी अच्छी लगती है, और हमको वैसे भी सारी सब्ज़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। साथ में डाला है मैंने धनिया पाउडर और गर्म मसाला पाउडर, और गैस को कर दिया है इस टाइम बंद, क्योंकि दही फटने का जो है थोड़ा सा डर होता है। इसको थोड़ा सा चला लूँगी और गैस को कर दूँगी फिर मैं ऑन, और फिर ये जब इसमें एक उबाल आ जाएगा अच्छा खासा, इसको कंटिन्यू चलाना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, वरना दही फट जाएगी। तो कंटिन्यू जैसे इसमें थोड़ा सा चलाते रहेंगे, थोड़ा उबाल आने लगेगा ना, तभी हमें जो है अरबी को ऐड कर देना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है। 10 से 15 मिनट के लिए इसे पकाने के लिए छोड़ना है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा कि आपको गाढ़ी रखनी है या किस तरीके से रखनी है, ठीक है, आप अपनी फैमिली के हिसाब से रख लीजिएगा। अब इसको बन गई है मेरी सब्जी, तो बस यहाँ दूसरी गैस पर रख दी है मैंने सब्जी, और इस वाली गैस पर बनाने लग गई हूँ मैं फटाफट से अपने रोटियाँ, क्योंकि भैया रोटी बनाने में सबसे ज़्यादा जान निकलती है चावल एक बार को भी ना बहुत जल्दी बन जाएंगे, लेकिन रोटी बनाने में सच में बहुत 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 ज़्यादा जान निकल जाती है। तो बस फटाफट से आज फूली रोटी बनने वाली है, आगे आप देखते जाइए। तो जैसे जैसे मेरी रोटियां बनती जाएंगी, और ये देखिए मैं कह रही थी ना थोड़ा सा ही घी निकल के तैयार हो, तो बस इतना सा ही घी निकला था, और जैसे जैसे मेरी रोटी बनती जाएंगी मैं रोटियों के साथ में तुरंत घी लगा दूंगी। उससे क्या होगा ना, घी पूरी की पूरी रोटी पे अच्छा खासा फैल जाता है, तो उसके किनारे जो है बिल्कुल भी सूखते नहीं हैं। और मैं आ गई हूँ किचन का सारा टाम टबेरा प्लेट व्लेट सब लेके कमरे में, और अब हम कर रहे हैं डिनर। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ में जो है डिनर कीजिए। मैंने फर्स्ट टाइम जो है दही अरबी बनाई थी, और लिटरली इतनी स्वाद बनी थी ना, अपने मुँह में या मिट्ठू वाली बात कर रही हूँ, लेकिन इतनी स्वाद बनी थी कि जिसका कोई कहना नहीं। फिर डिनर वगैरह करके उसके बाद के जो बर्तन है, आज का ब्लॉग यही था मेरा इंडियन मॉम इवनिंग टू नाइट रूटीन। होप्स आपको बेहद पसंद आया होगा, जरा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप सबको पता ही है क्या करना है। और ये जो मेरी गैस वगैरह होती है इसको भी मैं हाथों हाथ जो है अच्छे से क्लीन आउट कर दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए ना फिर बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि सुबह उठते ही बनेगा हनी का इन सबका लंच बनाना होता है, अपनी खुद की चाय बनानी होती है। तो बस ये सारा काम जो है मेरा ख़त्म हो गया है, चलिए मिलते हैं कैमरे के आगे। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों से मिलना हो गया, मेरी किचन हो गई चिकाचक। जब मेरी किचन रात को ऐसी हो जाती ना तो मेरा जो है सारा काम खत्म हो जाता है, और रात के बज रहे हैं 11, बड़ी वाली लाइट जो है कर दी है मैंने बंद, और माता रानी को भी जो है मैंने सुला दिया है। और पता ही क्या है, आज मैंने सुबह से कैमरे पे बातें नहीं करी थी ना, बड़ा अजीब सा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कैमरे पे ना बातें नहीं करी। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है पूरा दिन जो है काम में निकल जाता है। फाइनली लास्ट में तो आप लोगों से मेरी बातें हो ही गई है, अब मैं इसी ब्लॉग को जो है यहीं पे ही खत्म करती हूँ। अगर ये ब्लॉग आपको जरा भी अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना, और हाँ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। मिलती हूँ एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय माता दी, बाय।